बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक दुनिया के सारे बच्चों को, मेरे और आप सबके बच्चों को से ज़िंदगी और सलामती अता कर दे, नेक और नमाजी बना दे। जो बे औलाद है उनको औलाद दे दे, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दे दे, जो मरीज़ है उनको शफा दे दे। मुसलमानों के अल्लाह पाक की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी मैं बताती हूँ कि उस्मान आज मेरे लिए क्या लेके आए हैं बेल्जियम से। ये देखें सरप्राइज, माशाल्लाह काबली पुलाव। ये स्पेशल मैंने उस्मान से बोला था कि लेके आइएगा, और उस्मान को याद था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भूल गई थी लेकिन उस्मान को याद था। तो अभी मैं इसका ही इंतज़ार कर रही हूँ, आज मैं यही खाऊंगी। तो मैंने कहा चले आज अपनी सारी बहन भाइयों से शेयर करती हूँ कि देखें उस्मान। माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा बारिक, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सर कैसी थी उस्मान जी, ठीक थी? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। चले आज बेगम के हाथ का खाना खाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। खदीजा जी आर यू हैप्पी बेबी? आर यू हैप्पी? ये बीमार है, ये इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है मामा दादा की। चलो मुझे अच्छा लग रहा है आज मैं अपने हाथों से फूड बनाया काफ़ी दिनों के बाद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मज़ा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मेरा काबली पुलाव जो उस्मान लेके आए हैं, अभी गर्म करके लाई हूँ उसको मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैंने बिरयानी बनाई हुई है, मेरा आज दिल कर रहा है वैसे बिरयानी ही खाने का। ऐसा इतफाक वाली बात है, इतने मज़े की बनी है ना बिरयानी, माशाल्लाह माशाल्लाह। काबली खाओ, काबली ब्लॉक खाओ ना। वो मैं उधर से लेके आऊं। उस उस्मान को मैंने बोला काबली ब्लॉक खाना बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख 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 शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे बेसमान और बच्चे सारे खाना खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खदीजा तो बहुत ही खुश है माशाल्लाह। अभी ये दूसरा दिन है और उस्मान पहुंचे हैं रात को, तो हम लोग सारे सोते हैं एक ही रूम में। मैं कहती हूँ कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो दिल करता है कि बच्चों को थोड़ा टाइम दे, रात को बातें करते करते हम लोग सो जाते हैं। उस्मान को होता है कि चलो दूसरे रूम में सो जाऊं, लेकिन मैं बच्चों के साथ ज़्यादातर ही सो रही हूँ। और मैं होती हूँ ज़मीन पर, यहाँ ज़मीन पर होती हूँ मैं, बच्चे बेड पर होते हैं। तो ये है मेरी रोज़ाना की रूटीन है, और इंशाल्लाह अभी वो भी दिखाऊंगी कि उस्मान क्या लेके आए हैं, क्योंकि उस्मान ने सूटकेस रात को नहीं खोला। कहते हैं कि वो इंशाल्लाह जो भी लेके आए बच्चों के लिए सुबह को, उनको कुछ खास लेके नहीं आए, मुझे ये पता है, कह रहे सीरियल वगैरह जो भी है बच्चों के लिए, लेकिन सुबह ही खोलेंगे तो इसके बाद वो देखेंगे आप। तो उस्मान मेरे लिए काबली पुलाव लेके आए थे, बहुत ही मज़े का था, यकीन करें बहुत मज़ा आया खाने का। बच्चों को देखें सर्दी लगती है, और बच्चे मेरे गाउन पहन के रखते हैं हर वक्त, स्पेशली मामा आदम को तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगती है, कान में उसके दर्द था काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए पजामे बच्चे कैसे उतारते हैं, बच्चों को बता बता के थक गई हूँ कि बच्चे पजामा ऐसे नहीं उतारते, लेकिन एक दिन इंशाल्लाह आएगा समझ आ ही जाएगी। लेकिन आज जल्दी में थे, आज बच्चे लेट हो रहे थे स्कूल से, तो फिर बच्चों ने जल्दी जल्दी में तैयार हुआ, 10 मिनट थे खाली उनको तैयार होने में, जल्दी से उनको मिल्क बना के दिया और फिर उनको स्कूल भेजा, मैं इनका स्कूल लेट ना हो जाए। से मैं अतकाफ बैठी हूँ, यकीन करें मैं नीचे ही सोने लगी हूँ, ये कारपेट नहीं है जिसके ऊपर ब्लैंकेट बिछा लेती हूँ मैं, तो अच्छा लगता है मुझे ज़मीन पर सोना। तो इंशाल्लाह अपने कमरे का भी बताऊँगी एक दिन, सारी सेटिंग वगैरह का इंशाल्लाह। अभी खदीजा के रूम की भी थोड़ी सेटिंग वगैरह करनी है, क्योंकि बच्चे आते हैं बैठते हैं कुरान लेसन वगैरह लेते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि एक ही कमरे में बैठा करें, अपने कमरे में बैठा करें, लेकिन उनको ये रूम अच्छा लगता है। कहते हैं मामा दादा से, कहते हैं मुझे बैठना यहाँ पे अच्छा लगता है।
बच्चे यू नो ऐसे ही होते हैं। ये जनमाजें वगैरह पड़ी हुई हैं खदीजा की गाड़ी। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे होर वगैरह लगेगा तो बेड भी फिक्स नहीं है प्रॉपर। बड़ी उलझन आती है मुझे अगर बेड फिक्स ना हो तो। रात को खदीजा की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। कहाँ जाना है? ये मैंने रात को मग अंदर रखा था कि माइट बी खदीजा अगर कोई वॉमिट वगैरह हो तो इसमें कर दे, क्योंकि खदीजा के कान में बहुत ज़्यादा दर्द था। और ये बच्चों के चीज़ें वगैरह सारी बेड पे नीचे से उठाई हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दरवाजे कितने अच्छे लग रहे हैं, साफ सुथरे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के रूम को क्लीन कर दिया मैंने और पता भी नहीं चला, यकीन करें सफाई हो गई है। और इंशाल्लाह यहाँ पे फीचर वॉल बनेगी। उस्मान के बस इंतज़ार कर रही हूँ क्वारंटीन से निकलें तो फिर मैं जो है तो वॉलपेपर लेने जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं नीचे जाऊँगी, उस्मान को कुछ बना के दूँगी। उस्मान काम कर रहे हैं। ये खदीजा के रूम की शेल्फ है जो यहाँ कुरान वगैरह पढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खदीजा का रूम तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाए ना उस्मान। अभी ये मैंने खदीजा के लिए दाल के अंदर रोटी कूट रही हूँ। खदीजा की तबीयत ठीक नहीं है और उस्मान को भी ये मिर्चों वाला अंडा बना के दिया। देखें ज़रा, ये देखें उस्मान खा रहे हैं नमक मिर्चों वाला अंडा पराठे के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये बना तो रही हूँ लेकिन मेरा अपना दिल आ रहा खाने का। ये दाल क्या चीज़? ये जैग मैं खाता हूँ। ये नमक मिर्चों का यही होता है ना, सबको पता है, सबको पता है। नॉर्मली लोग ऑमलेट बनाते हैं ना। मुझे भी ऑमलेट ही बाय द वे पसंद है। खदीजा देखें अब खाएगी नहीं खाएगी पता नहीं, आई डोंट नो। कोई दाना है? जो टिश्यू पेपर लेके अच्छा खासा हो गया। पौन पौन थे तो that doesn't look like a dog. That might be from the glass. अच्छा दाना दाना चलो कोई बात नहीं। I knew it. कि तुम कनाम में ठंडा पानी लेके आओगी। चलो गरम तो करता इंसान में, तो खुद ही बोलते मैं नाजुक हूँ। नाजुक तो हैं आप। वक्त है वक्त एक मिनट। बेटे 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 मामा खत इस माफ मार के तो बाकी मत रोक माफ गए। So but how to be scratch? Oh, it's just a pain, Dad. This is just a pain. No, it's blood. Huh? Blood. Is it bleeding? Mm-hmm. Is that cut? Yeah. The who? Until I was scratching. A couple of seconds. Scratching? Didn't it hurt? Just clean that hand. Did you get a trickle down your leg? Khadija wants to dry me now. Come and throw my mouth. So bleeding. I think she accidentally spread it. Okay, it's good, it's good. Bas. Bedankt. Kom maar weg en ga je handen wassen, schat. Bedankt, schat. Wacht. So, alsjeblieft. Of graag gedaan. Love you. What? अभी उस्मान खोलने लगे हैं जी सूट के, इसके बच्चों के लिए शायद कोई कैंडीज वगैरह लेके आए हैं फूड।
ओके दिख छोड़े ना उस्मान जी। ओके माशाल्लाह। ये क्या चीज है? ये जैसे हाउस ना प्रिंसेस डॉल्स के लिए नहीं, ये डिज्नी प्रिंसेस जो है ऐसे डॉल्स वाला होता है। ओके ओके ओके। वेयर इज दिस? माशाल्लाह खदीजा जी। या आई गॉट माय टर्न। ओके मैं बाहर। यस यस। ओके ओके खदीजा जी बाद में लेटर ऑन बच्चे। वाह नो कंस। वाह वाह नो ए नो ए दो कंस। वाह मत ओ पापा। दिखाओ शमी। ला तो मामा जी। खदीजा जी एक्साइटमेंट, नो एक्साइटमेंट बच्चे। चलो चल ठीक है, बस खत्म हो गया खदीजा की गिफ्ट्स। नॉट नाउ, लेटर ऑन। जी ये कपड़े सारे साफ हैं। इस दफा फिर चॉकलेट ले आए मिल, मना किया था ना। ये फुल फैट है। मामा मिया दे भी दो ना अब। सारे शुरू हो गए। नहीं ये शौक से नहीं है, नहीं कोई खाती। जस्ट गिव मी, एक तो दो दो। ये अपने लिए पढ़ने के लिए डच में। इज द एनिमे। बस हो गया, हमारा बैग खुल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको और आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।